नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे गन्ने का रस, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से घर में बनाएंगे। अक्सर क्या होता है कि बहुत लोग बाहर का रस नहीं पीते हैं, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं शुद्ध और साफ तरीके से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये एक गन्ना है और इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया। ये देसी गन्ना है, इसका रस बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसको हम अच्छे से पहले धुल लेते हैं, जिससे कि जो कालिक है वो हट जाए। इससे क्या होगा कि जो रस बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने इनको धो लिया। अब देखिए, हम चाकू की सहायता से इसको अच्छे से छील लेते हैं, ये बड़ी आसानी से छिल जाएगा। अब यदि आप शुद्ध तरीके की का रस पीना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये रस बना सकते हैं और झटपट बन जाता है, इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो बस हमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटना है, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं रखने हैं। आप चाहें तो इसको बीच से भी काट करके बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने पूरे गन्ने को कुछ के टुकड़ों को कुछ इस तरीके से काट लिया। तो सबसे पहले छीलना बहुत ज़रूरी है, और इसके ये देखिए छिलके निकले हैं, इनको हम अलग कर देते हैं। अब हम ये चटनी जार लेते हैं, क्योंकि चटनी जार में ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा करके एक साथ नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा ही पीसना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से पीस के अब इसमें हम और डाल देते हैं थोड़ा। तो दो तीन बार में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसमें एक चम्मच दो चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको ग्राइंड करना है। तो थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि कितने ये ग्राइंड हो गए और एक पेस्ट जैसा बना लेना है। इसमें ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है। तो आप चटनी जार में ही, या बड़ा चटनी जार हो तो उसमें एक साथ डाल करके इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रस इसका दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जो बच गया है उसका भी हम जूस निकालेंगे, तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो जिस तरीके से चटनी बनाते हैं बस उसी तरीके से ये ग्राइंड हो जाएगा। बस जब भी आप बनाएं तो टुकड़े जो रखें वो छोटे छोटे रखें और उसको छील लें पहले। तो अभी इसमें हैं थोड़े से, तो इसको हम और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बढ़िया सा ग्राइंड हो गया, अब निकाल लेते हैं। अब हम एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम आइस के टुकड़े डाल देते हैं और एक ये स्ट्रेनर रखेंगे। इसके ऊपर हम सूती कपड़ा रखेंगे। जब भी आप निकालें सूती कपड़े से निकालें और साफ कपड़े से निकालें, ये बिल्कुल साफ कपड़ा है। तो देखिए, मैंने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया और इसको कुछ इस तरीके से रुमाल की तरह ले लेंगे, और लेने के बाद इसको हम मोड़ देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये रस निकल रहा है। ये जो बाजार का जूस होता है उससे कहीं अधिक अच्छा और शुद्ध साफ बना हुआ है, कि बाजार में मशीन में जो बनाया जाता है तो गन्ना डाल दिया जाता है, जिससे इसमें जो गंदगी होती है छिलके में वो सब उसी में आ जाती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये रस निकल आया है। तो अब जो दूसरा बैच बचा है उसका भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। बस कपड़े को पकड़ेंगे, कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे और दबा दबा करके इसका रस निकाल लेंगे। यदि आप छोटे बच्चों को देना चाहते हैं रस, तो इस तरीके से निकाल करके घर में ही दे सकते हैं। ये रस बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए, और गर्मियों में तो वैसे भी ये पिया जाता है। तो बस दबा करके इसी तरीके से सब पूरा रस निकाल लेना है, और एक गन्ने में आप देख सकते हैं कि ढेर सारा रस बनकर तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से निकाला गया है, और इसमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, और देखने में भी ये बहुत अच्छा है। तो अब ये हमारा रस बन करके तैयार है।
अब इसको हम सर्व करने के लिए गिलास में निकाल लेते हैं। तो हम स्ट्रेनर रखेंगे जिससे कि जो भी कड़ हो तो वो भी सब निकल जाए। तो देखिए मैंने इसको छान लिया और अब हम इसमें डालते हैं काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए। वैसे तो इसमें सौंठ भी डाली जाती है, दही डालकर भी लोग पीते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हम डालेंगे नींबू आधा, इसको निचोड़ देंगे। खट्टा मीठा बढ़िया सा रस गन्ने का बनकर तैयार है। तो दोस्तों यदि ये हमारी गन्ने की रस की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।